किरण, बाजार एकदम रफ्तार में है, बैंक निफ्टी भी देखिए 20,000 के ऊपर मजबूती के साथ टिका हुआ है। बैंकिंग शो ने जिस तरह से बाजार को सहारा दिया है, इस सहारे में लगता है कि खरीदारी का मौका है और तेजी देखने को मिलेगी। बिल्कुल मनीष जी, मुझे लगता है कि कई स्टॉक्स हैं जिसमें एक अच्छा रुझान दिखाई दे रहा है। अगर प्राइवेट सेक्टर बैंक की बात करें तो इंडसइंड बैंक ने एक अच्छे एसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ब्रेकआउट आज देता हुआ नजर आ रहा है। बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 1200 का लेवल था साइकोलॉजिकल और टेक्निकल लेवल जिसका ब्रेकआउट वैल्यू है, उसके ऊपर ही है कंसिस्टेंटली, और मुझे लगता है कि ये इजिली और भी ऊपर जाता नजर आएगा। 1195 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए और मेरे ख्याल से इजीली 1255-1260 अगले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल जाना चाहिए। अगर हम छोटे मोटे पीएसयू बैंक्स की बात करें तो बैंक ऑफ बड़ौदा बहुत अच्छा शानदार पैटर्न दिखाई दे रहा है। इंडियन बैंक ब्रेकआउट के कगार पे खड़ा हुआ है और SBI तो पहले से ही अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ऊपर जा रहा है, तो ये सारे के सारे स्टॉक्स बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता बैंकिंग स्टॉक्स में इतने जल्दी कुछ निचले स्तर आपको देखने को मिल जाने चाहिए। तो बैंकिंग स्टॉक्स पर भी तेजी देखने को मिलेंगे। टॉप बेट जो है किरण मान के चैनल है कि इंडसइंड बैंक में और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। आज किरण देखिए इंटरेस्टिंग प्ले हुआ है, बैंकिंग चल रहे हैं, हाउसिंग फाइनेंस में देखिए अच्छी मजबूती देखने को मिली है। और पिछले अगर 3-4 महीनों का परफॉर्मेंस देखिए, हाउसिंग फाइनेंस में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली, चाहे वो हाउसिंग फाइनेंस हो, माइक्रो फाइनेंस जैसे स्टॉक्स हो। आज के ट्रेड में देखिए CanFinHome, GIC हाउसिंग फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। ग्रुप फाइनेंस, LIC हाउसिंग फाइनेंस, दीवान हाउसिंग फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में खरीदारी देखने को मिल रही है। हाउसिंग फाइनेंस के स्टॉक्स का देखिए परफॉर्मेंस, नतीजे भी लगातार बेहतर देखने को मिल रहे हैं और इन्होंने बैंकिंग शेयरों को कहीं ना कहीं कई मामलों में देखिए आउट परफॉर्म कर रहे हैं। आपको लगता है कि हाउसिंग फाइनेंस शेयरों में अभी भी बहुत तेजी बाकी है, खासतौर पर GIC हाउसिंग फाइनेंस जो मल्टी ईयर हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, CanFinHome ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, इन तमाम शेयरों में बड़ी रैली देखने को मिल रही है? देखिए मनीष जी, CanFinHome से बहुत भाग चुका है और इधर से भी और अपसाइड बिल्कुल दिखाई दे रही है, नाम कहने की जरूरत नहीं है, पर मेरा मानना है कि इधर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो CanFinHome में दिखाई नहीं दे रहे। पर अगर हम GIC हाउसिंग फाइनेंस की बात करें या LIC हाउसिंग की फाइनेंस की बात करें तो उधर एक अच्छे ब्रेकआउट के आसार दिखाई दे रहे हैं। GIC पर्टिकुलरली बहुत ही अच्छे ट्रायंगुलर पैटर्न फॉर्मेशन के करीब है, 330 ब्रेकआउट लेवल होगा, तो मैं अगर बाइंग करनी है, फ्रेश बाइंग करनी है, 330 के ऊपर बाय करने की सलाह होगी। आज का भी हाई देखे तो 330 का ही है, तो 330 के ऊपर अगर बाय करते हैं तो 320 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। ट्रेडिंग बेट नहीं रहेगा, ये मोमेंटम पोजिशनल कॉल रहेगा जिसके टारगेट करीबन 365-370 के होंगे। LIC हाउसिंग के भी ऐसे ही कुछ रुझान है जहां पे आपको अच्छी मूव देखने को मिल जानी चाहिए। तो LIC में भी अगर देखते हैं तो एक अच्छे रेंज से निकल रहा है, अभी भी बाय करने की सलाह होगी। 580 का स्टॉप लॉस रहेगा और करीबन 600-605 के टारगेट्स आप लोग 2 दिनों में देखने को मिल जाने चाहिए। तो GIC हाउसिंग फाइनेंस 330 के ऊपर लगातार ट्रेड करता है, तो किरण कहते हैं खरीदारी कीजिए, मजबूती देखने को मिल सकता है। 370 रुपये का वो लक्ष्य मान के चल रहे हैं, 320 रुपये का आपको इसमें स्टॉपस लगाना हो। LIC भी इनको पसंद है, वहाँ भी इनको लगता है मजबूती देखने को मिल सकती है। एक और सेक्टर देखिए लगातार एक अच्छी मजबूती दिखा रहा है किरण, टायर्स, खासतौर पर ऑटो शेयर देखिए, वहाँ खरीदारी देखने को मिली है। बीते हफ्ते हमने देखा था कि चाहे ऑटो स्टॉक्स हो, ऑटो इंश्योरेंस स्टॉक्स हो, सब में एक अच्छी खरीदारी देखने को मिली है और मारुति जैसे स्टॉक्स तो शानदार परफॉर्म कर रहे हैं। हर गिरावट के बाद देखिए जो तेजी आती हो, पिछले गिरावट के मुकाबले बहुत बड़ी तेजी देखने को मिलती है, शेयर ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। हीरो मोटर कॉर्प देखिए, ये ऑल टाइम हाई पर ट्रेड कर रहा है। ऑटो शेयरों में जिस तरह की रफ्तार देखने को मिल रही है, क्या ऑल टाइम हाई पर जो शेयर ट्रेड कर रहे हैं आप उसमें खरीदारी करने की सलाह देंगे, या कुछ एक ऐसे स्टॉक जो लोअर लेवल से काफी रिकवर किए हैं हालांकि अभी भी ऑल टाइम हाई से काफी दूर है? मुझे लगता है कि ऑटो क्षेत्र के सारे के सारे स्टॉक्स बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं और खास करके मारुति और ये सब जिनके नाम अपने लिए बहुत ही अच्छे दिखाई दे रहे हैं। पर एक नाम जो सराहनीय है, वो देखने लायक है, वो महिंद्रा का है, थोड़ा सा लगाड़ है, अभी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया नहीं है, पर एक रेंज में ट्रेड करता नजर आ रहा है और रेंज टूटने के आसार दिखाई दे रहे हैं। 1480 लेवल है जिसके ऊपर मुझे वीकली क्लोजिंग चाहिए, उसके बाद ये स्टॉक बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता नजर आएगा। तो मुझे लगता है कि महिंद्रा एंड महिंद्रा पे नजर रखनी चाहिए, कैचअप रैली बिल्कुल इस स्टॉक में देखने को मिल जानी चाहिए। अगर अभी कोई खरीदी करता है तो 1460 के स्टॉप लॉस के साथ करनी चाहिए और पोजिशनल मूव के लिए आप 1540-1560 के लेवल्स देखने को मिल जाने चाहिए, पर इन लेवल्स पे रिव्यू लेने की सलाह होगी, बेचने की नहीं।
तो कहने का ऑटो स्टॉक्स में अभी भी आप होल्ड करके चलिए, तेजी देखने को मिल सकती है। और अधिकांश ऑटो स्टॉक्स में देखिए अच्छी खरीदारी देखने को मिली है, जो कंपनियों के अगस्त बिक्री के नंबर्स आए थे वो भी कहने का उत्साहजनक देखने को मिले, बेहतर देखने को मिले। और सामने आने वाले दिनों में दिवाली है और त्योहारी सीजन है, तो कहीं ना कहीं इन कंपनियों की बिक्री में और भी इजाफा देखने को मिल सकता है। अभी भी देखिए मारुति 100 रुपये की तेजी के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड करा, महीना महीना में 1% की मजबूती देखने को मिली। आज टायर स्टॉक्स देखिए, बीते हफ्ते ही हमने देखा था तेजी की शुरुआत हुई थी टायर स्टॉक्स में, और तमाम सीएट अपोलो टायर जैसे स्टॉक्स में एक अच्छी मजबूती थी। आज भी देखिए सीएट में उछाल देखने को मिला, अपोलो टायर पूरी तेजी को लीड कर रहा है, करीब 4% की मजबूती देखने को मिली है, अच्छा वॉल्यूम लगातार देखने को मिल रहा है। किरण, सबसे बड़ी बात है कि इसमें से अधिकांश स्टॉक्स देखिए एफएनओ साइड में ट्रेड होते हैं और सब में एक अच्छी रैली देखने को मिले। क्या आपको लगता है कि एफएनओ साइड के जिस स्टॉक्स में तेजी है, जैसे अपोलो टायर सीएट जैसे स्टॉक्स में, इस पर आप दाव लगाएंगे, या कैश के शेयर जेके टायर बालकृष इंडस्ट्री जैसे स्टॉक्स में आपको लगता है कि ज्यादा रिटर्न देखने को मिलेगा? मनीष जी, दो स्टॉक्स पे मेरी नजर है, पहले तो अपोलो और दूसरा सीएट। अपोलो टायर्स पे मेरा टारगेट करीबन 215 के लेवल्स के करीब आता है, तो मेरा मानना है कि इधर से 215 तक की रैली आपको जरूर देखने को मिल जानी चाहिए। एक अच्छे रेंज का ब्रेकआउट मिला है और उसके साथ वॉल्यूम भी बहुत अच्छे आ रहे हैं, ओपन इंटरेस्ट एडिशन भी बहुत अच्छे दिखाई दे रहे हैं। अपोलो टायर्स की बात करें तो 15% ओपन इंटरेस्ट एडिशन आज होते हुए नजर आ रहे हैं, तो ये सब चार्ट पैटर्न के हिसाब से बहुत अहमियत रखते हैं और मुझे लगता है कि इधर एक आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल जाएगा। सीएट की बात करें तो सीएट में एक टेक्निकल पैटर्न जिसको हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर्स का पैटर्न कहते हैं, ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न होता है, इसका ब्रेकआउट शुक्रवार को देखने को मिल गया था और बहुत अच्छे वॉल्यूम के साथ था। मुझे लगता है कि ये स्टॉक अगर पोजिशनल व्यू ले तो इजिली 1050 के टारगेट आपको देखने को मिल जाने चाहिए, जो कि अगले 3-4 ट्रेडिंग सेशन में ही आने की संभावना बनती है। तो सीएट में भी अच्छी मजबूती देखने को मिल सकती है, इसके अलावा दिन के ऊपर स्तर के आसपास सीएट का हवा कर रहा है, 1050 तक का लक्ष्य मान के चल रहे, एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा अपोलो टायर्स शेयर जो है किरण को पसंद है, वहाँ भी देखिए करीब 4% की मजबूती के साथ दिन के ऊपरी स्तर के आसपास अपोलो टायर ट्रेड कर रहा है। आज ऑटो इन स्टॉक्स देखिए, और किरण मैं आपको वो स्टॉक्स बताऊंगा जो ऑल टाइम हाई के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, खासतौर पर राणे ब्रेक, राणे होल्डिंग्स, मिंडा, सुंदरम जैसे स्टॉक्स देखिए, वहाँ एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। ये वैसे स्टॉक्स हैं जो ऑल टाइम हाई पर ट्रेड करे, और बीते अगर 3-4 महीनों का परफॉर्मेंस आप देखेंगे किरण, ऑटो से स्टॉक्स ने बाजार को आउट परफॉर्म किया है, लगातार अच्छे नंबर्स का फायदा हो रहा है, डिमांड आगे आने वाले दिनों बढ़ने की उम्मीदें हैं, इसका ट्रिगर्स है जीएसटी का ट्रिगर्स है। आपको लगता है कि जो ऑटो से स्टॉक्स में तेजी आई है उसमें अभी भी कुछ खरीदारी करनी चाहिए? इन पांचों में कोई आपको पसंद हो, या इसके अलावा कोई शेयर आपको लगता है कि बेहतर रिटर्न दे सकता है? बहुत सारे ऑटो एंसरी स्टॉक्स है जहाँ पे आपकी नजर होनी चाहिए। एक तो होगा रिको ऑटो, जहाँ पे एक अच्छी मूव दिखने को मिल गई है। दूसरा होगा गैब्रियल, जहाँ पे एक हमारी पहले से ही कवरेज है और हमेशा मैं ये बोलता रहा हूँ कि ये बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, पर आज खास करके एक स्टॉक दिखाई दे रहा है जिसका नाम है मुंजल शोवा। मुंजल शोवा की बात करें तो इसमें एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ एक मूव आई थी, पर मेरे ख्याल से वापस एक बार उस पर थोड़ी सी बिकवाली हावी होती नजर आ रही है। पर मेरा भी मानना है कि जिस तरीके के वॉल्यूम्स के साथ ये स्टॉक ऊपर जा रहा है तो ब्रेकआउट के आसार दिखाई दे रहे हैं। 200 लेवल एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है, अभी 190 के लेवल के करीब ट्रेड कर रहा है, तो 200 के ऊपर बाय करने की सलाह होगी, 192 का स्टॉप लॉस और टारगेट के लिए 217-218 इमीडिएटली, पर लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा प्राइस पैटर्न ब्रेकआउट दिखाई देगा।